मुरादाबाद के कांट तहसील दिवस में एसडीएम जगमोहन गुप्ता एवं तहसीलदार कांट ने जनता की समस्याएं सुनी। मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और सभी क्षेत्रवासियों को यह संदेश दिया गया कि हर समस्या का समाधान होगा, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मुरादाबाद की तहसील कांट के तहसील सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। एसडीएम जगमोहन गुप्ता ने तहसील दिवस में पहुंचकर जनता की समस्याएं सुनी। मौके पर तहसीलदार कांट के साथ सभी विभागों के अधिकारी गण को बुलाकर जनता की समस्याएं सुनी गईं, जिस पर एसडीएम कांट से बात करने पर सिटी चैनल संवाददाता को बताया कि आज 12 फरियादी तहसील दिवस में पहुंचे थे, जिनमें अधिक समस्याएं पैमाइश को लेकर थी और कुछ विद्युत विभाग से संबंधित थी, जिनमें से कुछ का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है और बाकी का मौका मुआयना कर समाधान किया जाएगा, जिस पर लेखपालों को तत्काल आदेश दिया गया कि भूमि संबंधित सभी समस्याओं को मौके पर जाकर मौका मुआयना कर निस्तारण करें। आज के तहसील दिवस में अगर देखेंगे हम तो करीब 12-13 समस्याएं आई हैं, जिसमें मेनली जो देखा गया है वो पैमाइश को लेकर के है कि पैमाइश में ये है कि भूमि विवाद को लेकर के है, तो उसके लिए लेखपाल की आरआई की टीम बना भी दी गई है, मौके पर कुछ भेजा भी गया है, निस्तारण भी हो रहा है उसका। और इसी के साथ कुछ शिकायतें हमारी सप्लाई से थी, बिजली से थी, उनका भी निस्तारण हम जल्द से जल्द करवाएंगे। और लेखपालों को क्या आदेश दिया गया है? लेखपालों को यही आदेश दिया गया है कि आप जो भी शिकायतकर्ता है, एप्लीकेशन के पास पहुंची है तो उसको जाएं, मौके पर शिकायतकर्ता को बुला लें और दूसरा भी पक्ष होगा वहां पर बुला करके, और भी वहां के गांव के प्रतिनिधि प्रधान को बुला करके वहां पर चीज़ों को देखें, हैं सही से उसका निस्तारण करें और शिकायतकर्ता को अवगत करा दें। अगर नहीं भी होने वाला तो उसका भी उनको अवगत करा दें शिकायतकर्ता किन कारणों से नहीं हो सकता है।